35 ऑर्डर हो जाते हैं पर डे के, तो उस हिसाब से जो महीने की आपकी अर्निंग आ जाती है, कमाई सैलरी कितनी आ जाती है महीने की? 30 से 35 बनती है महीने पे। 30 से 35 हज़ार महीने की? जी। क्या मैं आपके फ़ोन में देख सकता हूँ वो चीज़? जी दिख जाए। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों जैसा सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूं, नए नए कंपनियों के बारे में बताता हूं, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूं। तो अभी हमारे पीछे देख पा रहे हैं कंपनी है और इसमें हायरिंग चल रही है। दोस्तों हायरिंग चल रही है, अगर आप भी जॉब करना चाहते हैं, आपने 8 पढ़ाई कर रखा है, 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, या फिर आपने बिल्कुल भी अंगूठा छाप है, सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती है, तो भी आप इसमें काम कर सकते हैं। जो भी हमारे भाई मान लीजिए पैसे ना होने की वजह से, घर की परिस्थितियों की वजह से ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, तो इस वाले जॉब में वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से मैं आपको एक दो नंबर दूंगा, उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और आना है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें किसी प्रकार से आपको चार्ज नहीं देना है, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना। जफर भाई को तो आप सभी लोग जानते होंगे, इनकी हमारे साथ बहुत सारे वीडियोज़ आई है और बहुत सारे हमने लोगों को रोज़गार भी दिया। अभी उनसे बातचीत करेंगे, एक नई कंपनी की हम शुरुआत करते हैं और एक नई कंपनी इनके हाथ में फिर से आई है। तो सबसे पहले स्वागत करता हूँ जफर भाई आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया, बस आपकी दुआएं हैं। बस हम भी बढ़िया और आपके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं हम लोग को, और जिसके कारण हम भी उनको रोज़गार देते हैं और वो बेचारे काम करते हैं, अपना अर्निंग करते हैं। तो आज की जो जॉब है ये बीबी नाउ, आपने टाटा की कंपनी सुनी होगी, जैसे कि मैं डिलीवरी बॉय की हायरिंग करता हूँ ज़्यादातर, तो ये बीबी नाउ है, टाटा वाली की कंपनी है, और इसमें जो है ये पर पैकेट का आप लोग का हिसाब होता है। इसमें कोई सैलरी नहीं मिलता है, इसमें तो जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी करो, कोई इशू नहीं है। ऐसा तो नहीं इसमें ऑर्डर का इशूज हो, ऑर्डर मिले ही ना तो बंदे तो बैठे। हाँ ये बात मैं नहीं कह सकता, ये बात तो आप जब राइडर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं खुद ये इंटरव्यू लेंगे उनका, लड़कों का, कि यहाँ पे ऑर्डर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मिल भी रहे हैं तो कितने ऑर्डर मिल रहे हैं पर डे कितने ऑर्डर मिल रहे हैं यहाँ पे, और कोई इनको परेशानी है या नहीं है। मैं कहूँगा, देखो मैं तो हमेशा कहूँगा मेरी तरफ से तो ओके, हमेशा लड़का 30-25-20 ऑर्डर मार के जा रहा है डेली के डेली, यानी 1000 रुपये की अर्निंग करते जा रहा है। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि लड़का खुद बोले तब यकीन होता है। ठीक है, हम और आप जो बोलेंगे ना ऑडियंस को कम होता है। हाँ। और जो बंदे इस लाइन में है, जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, अगर उनके जुबानी हम सुनेंगे, मौखिक बात करेंगे, रियलिटी बात करेंगे, तो ऑडियंस को लगता है। बेसिक ना करे वो अलग बात है, लेकिन भाई जो जेन्युइन है हम वही दिखाएं। तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है सर? देखिए क्वालिफिकेशन का ऐसा है, आपके पास 10वीं है तो ठीक है, नहीं है कोई मुझे वो मैटर नहीं है। आप सिर्फ इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ लो, जो सामान होते हैं जैसे दूध दही आटा, इन सब के नाम पढ़ लेना, बस इतने मेरे को चाहिए और कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट जो होती है वो होती है मेरे लर्निंग लाइसेंस। अगर लाइसेंस नहीं है तो कम से कम लर्निंग भी, आप अगर लर्निंग भी लिया होगे तो भी मैं लगवा दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को। थोड़ा उधर से बातचीत करते हैं। अच्छा लर्निंग पे ही हो जाएगा? हाँ लर्निंग पे बिल्कुल हो जाएगा, लर्निंग पे भी आराम से हो जाएगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है? एज की मैं कहूँ तो सिर्फ 18+ हो, और हट्टा कट्टा जैसे 50 साल तक के भी मैं देखता हूँ कि ठीक ठाक है, 50 साल तक भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तो बस कर सके है? बस कर सके। ठीक है जी। अच्छा, 50 साल लोकेलिटी का तो कोई इशू नहीं है कि लोकल बंदे नहीं लेंगे? देखो लोकल का ये है, मैंने लोकल के भी लड़के को लगाया है, पर वो बस ईमानदारी से काम करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, मैं रख लूँगा। अगर 2 मिनट में वो कुछ उल्टा सीधा काम करेगा मैं 2 मिनट में भगा दूंगा। ठीक है, मैं रखने में कोई दिक्कत नहीं, मैं रख लूँगा, लोकल के भी हो कोई दिक्कत नहीं, पर बदमाशी नहीं दिखाना और अपना लोकल की गर्दी नहीं दिखाना। ठीक है जी। अच्छा, ये कितने किलोमीटर दूर तक हमें डिलीवरी करनी होगी सर? ये बहुत अच्छी सवाल आपने पूछे। जो ये हमारा बीबी नाव है ये आपको सिर्फ 5 किलोमीटर का दायरा बोलता है। इसमें ऑर्डर जो होते हैं एयर की बात कर रहा हूँ, 5 किलोमीटर होता है, और गली गली का तो खैर मैं कह नहीं सकता कि 5.5 हो जाता है उसमें गली गली में। वैसे 5 किलोमीटर का हमारे जो एग्रीमेंट हो रखा है बिग बास्केट से, वो 5 किलोमीटर का हो रखा है। 5 किलोमीटर के रेंज में ही रेंज में ही जाना है, उससे कहीं दूर नहीं जाना। और जो ऑर्डर आते हैं वो सिर्फ 1 किलोमीटर से स्टार्ट, आधे किलोमीटर। ये सामने आपको सोसाइटी दिख रही होंगी, ये सामने सोसाइटी दिख रही होंगी, ये भी दिख रहा होगा कैमरा मैन, थोड़ा दिखा देना आसपास की सोसाइटीज की हम बात करें। देख रहे हो ये ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स होंगे है ना इधर पूरा। हाँ इसी सोसाइटीज में आपको डिलीवरी करनी होगी, स्टार्ट हो जाता है ये, ज्यादा ज्यादा 100 मीटर नहीं है। 100 मीटर इधर से दिखा दो आप, कैमरा इधर से दिखा दो, इधर से करके उधर को दिखा दो आप एक बार सोसाइटी, क्योंकि ना मैं आपको दिखा दूं जो बिल्डिंग है ना, इसी बिल्डिंगों में आपको डिलीवरी करनी होगी आसपास, या इसे 1 किलोमीटर में लास्ट 5 किलोमीटर के रेंज में ही आपको डिलीवरी करनी होगी। क्योंकि यार यहाँ के जो वीआईपी लोग होते हैं ना, या बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो क्यों क्या करते हैं अपने घर का जो भी सामान होता है, राशन होते हैं, वो ऑनलाइन ही बुक कर देते हैं कि भाई डिलीवरी वाला बंदा लेके। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइए, मान लीजिए डिलीवरी तो करना ठीक है, मान लीजिए डिलीवरी करने के लिए उनके पास बाइक कहाँ से आएगी सर? बिल्कुल, देखिए लड़के के पास बाइक हो या ना हो,
हम अपनी तरफ से हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी देते हैं जो कि आपको एकदम फ्री तो नहीं पर आपको थोड़े से पेमेंट देना होगा उसके लिए, जो कि हमारी 1 से 1,30,000 की गाड़ियाँ होती हैं। तो अगर कोई लड़का लेके जाता है हमारे से गाड़ियाँ तो वो क्या करता है, लेके गया, सब लड़के नहीं होते, कोई कुछ लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, ठोक देते हैं या तोड़ देते हैं उसे। तो हम लोग एक छोटा सा अमाउंट रखे हैं उसके लिए सिक्योरिटी का, 1,000 रुपीज़। अगर लड़के के पास नहीं है, थोड़ा बहुत भी है, 500 भी है, तो भी हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर थोड़ा बहुत तो आपको पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर ले गए हमसे 1,00,000 समथिंग की गाड़ी और वो कहीं से डैमेज हो गई तो उसका बहुत बड़ा हर्जाना होता है, लड़के के पास होता नहीं है। जी तो छोड़ो यार, ऐसे ऐसे भी लोग हमने देखे भाई। अरे मैं अभी सतीश चौधरी के साथ में था ना यार, उन्होंने भी डिलीवरी का एक प्रोजेक्ट लिया था भाई साहब, ऐसे चलाते हुए निकल गए। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ हमारे भाई अब क्या बताऊँ यार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उनको बताया कराया और चलाते हुए चार्जिंग करते हुए निकल गई यूपी पूरा। नहीं खैर, हमारी तो गाड़ी आज तक कभी नहीं गई, और हमारी जब भी दिल्ली NCR से आगे जाती है तो हमें नोटिफिकेशन आ जाता है। और हमारी जो गाड़ियाँ हैं ये हमारी स्वैपेबल गाड़ियाँ होती है, इसको कोई चार्ज नहीं कर सकता। इसको जो चार्ज करने का, ये हमारे स्टेशन है, आपकी अगर गाड़ियाँ बैटरी ख़त्म हो जाती है, पूरे दिल्ली NCR में 706 स्टेशन है। यहाँ पे नोएडा की बात करूँ तो 350 स्टेशन हमारे नोएडा के अंदर है, सिर्फ नोएडा और गाजियाबाद 500 स्टेशन। तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी खत्म हुई, बैटरी अभी ख़त्म हुई, आपको जाना है स्टेशन पे, QR कोड दिखाना है अपना, और वो आपको दूसरी बैटरी भरी हुई दे देगा और आप ये बैटरी ले लेगा। एक बात बताइए, कितने एक बार चार्ज करने के बाद कितने किलोमीटर हम जा सकते हैं उसमें? आप 60 से 70 किलोमीटर आराम से जा सकते हो उसमें। मतलब ये है कि एक दिन चला सकते हैं? एक दिन नहीं, उसमें आप एक बैटरी से 60-70 किलोमीटर आप जितनी जल्दी ख़त्म कर दें, वो आप पे निर्भर करता है। मान लीजिए 60 किलोमीटर भी चला, दूसरे से 12×5=60, तो हम पर डे का 12 से 13 पैकेट डिलीवरी कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, 12 से 1 बैटरी से। और हम लोग बैटरी देते 3, तो आप यानी कि कुल मिला के 30 पैकेट आप डिलीवर कर सकते हो। अच्छा, अगर बात करें पर पैकेट का क्या रेट है? देखिए सर, ऐसा है, पर पैकेट का जो हमारे हिसाब है, मैंने आपको चार्ट दे दूँ, आप दिखा भी देना। हम लोग जो पर पैकेट देते हैं, हम लोग 25 रुपये से स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे शो भी कर रहा होगा, मैं उनको भेज भी दूंगा, आप वो देख भी लेना। और हम पेट्रोल बाइकर भी हायर करते हैं, ये नहीं EV हम सिर्फ हायर करते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाए। हाँ, तो अभी जफर भाई दिखा रहे हैं पूरा चार्ट, तो मैं स्क्रीन भी लगा दूंगा जिससे कि आपको इजी होगी। तो हमारा जो पर पैकेट हिसाब वो स्टार्ट होता है, वो आपका 1 ऑर्डर से लेकर 10 ऑर्डर तक, यानी कि आपने पूरे दिन में अगर 1 ऑर्डर से लेकर 10 ऑर्डर तक मारे तो आपको ओनली 25 रुपये पर पैकेट मिलेगा। 10 ऑर्डर लगा यानी 250 रुपये हो गया आपका, ठीक है। और हम जो रेंट चार्ज करेंगे वो आपका 190 रुपये रेंट चार्ज होगा, आपको चार्ट में दिख रहा होगा, ठीक है। ये उनके लिए जो लड़का काम नहीं करता है, काम चोरी करता, 10 ऑर्डर मारा, घर पर भग गया, ठीक है। फिर उसके बाद 11 से 15 करा तो हम सीधा 5 रुपये बढ़ा देंगे, सीधा 5 रुपये, 30 रुपये पर पैकेट हो जाएगा, रेंट सेम रहेगा। जैसे आपने 16 से 20 ऑर्डर करे, 16 प्राप्त कर दिया आपने 16, तो रेंट 40 रुपये कम हो जाएगा और रेट हो जाएगा 31 रुपये, 1 रुपये बढ़ जाएगा उस पर सब पे, आपको चार्ट में भी शो हो रहा होगा। और फिर ऐसे ही करते करते 21 से 25 में है 33 रुपये, रेंट 150 रुपये लगेगा। आपने 26 ऑर्डर जैसे ही कर दिए पूरे दिन में, तो पूरे 35 रुपये पर पैकेट हो जाएगा, 2 रुपये रेट बढ़ जाएगा, प्लस रेंट जो है, मेरी गाड़ी का जो रेंट है वो 100 रुपये हो जाएगा मात्र। मतलब जितना ज़्यादा पैकेट डिलीवरी करेंगे उतना ज़्यादा रेंट आपका कम होता जाएगा। यानी कि 100 रुपये का मतलब है 3,000 रुपये महीना। अगर आप अपनी भी बाइक लगाते हो ना, तो 6 से 7 हज़ार का तेल फूक जाता है आराम से, प्लस मेंटेनेंस फूक जाती है, ठीक है जी। ये तो हम 3,000 रुपये की आपको गाड़ी भी दे रहे हैं और ऊपर से चार्जिंग भी हमारे पास ही करना है, उसका भी बिल नहीं भरना आपको, ठीक है। अगर 3 ऑर्डर आपके जैसे 30 ऑर्डर लग गए, 25 ऑर्डर लग गए और आपके 3 स्वैप खत्म हो गए, बैटरी खत्म हो गए, तो हम चौथा भी दे देंगे आपको, डोंट वरी। आप ऐसे मत घबराना कि हम पे बस 3 ही मिलेगा, चौथा भी मिलेगा आपको, ठीक है। तीसरा पहले आप खत्म करें, 6×18 180 किलोमीटर चलाए तो सही, बिल्कुल। उसके बाद फिर आपको चौथा भी ये बैटरी दे सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके ऑर्डर कम से कम 25 और 30 के बीच में होना चाहिए, उतने के बीच में, आप लोग इधर सा जाइए। अच्छा, कोई कैंडिडेट है जो जिनसे हम बात कर सकें? हाँ बिल्कुल, आपको मैं मिलवाता हूँ, अभी तो ऑर्डर पे क्योंकि ऑर्डर फ्लो थोड़ा चल रहा है ज़्यादा, तो मैं आपको मिलवा दूंगा। एक और है पेट्रोल बाइकर का भी, अगर किसी के पास बाइक है, पेट्रोल बाइक है, तो आप उसका भी आप दिखा देना। तो पेट्रोल बाइक का मैं बता दे रहा हूँ, एक बार स्क्रीन पर आपको भी भेज दूंगा, आप स्क्रीन पर दिखा देना। हम लोग 1 ऑर्डर से लेकर 10 ऑर्डर तक 30 रुपये से स्टार्ट करते हैं इसमें। खुद की बाइक है, इसमें पेट्रोल आप ही का इंक्लूड है 30 रुपये में, ये आप ही का इंक्लूड है पेट्रोल। और जो किलोमीटर है इसमें भी 5 किलोमीटर का दायरा है, और 100 मीटर से स्टार्ट हो जाता है, 200 मीटर से स्टार्ट हो जाता है ऑर्डर, ठीक है जी। और तो ये 1 से लेकर 10 तक 30, फिर 11 से 15 34, यानी 4 रुपये बढ़ जाता है, फिर 16 से 20 35, 21 से 25 37, फिर 26 से 30 तो हो जाता है 39 रुपये। अगर 30-31 ऑर्डर कर दिया तो सीधा हम 40 रुपये ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है जी। सर से बातचीत कर बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूटी कौन सा वाला मिलने वाला है जफर भाई, जरा दिखाइएगा। हमारे पे जो स्कूटी है, हाँ, वो ये इस तरीके की है,
ये रेड वाले, रेड वाली इलेक्ट्रिक कंपनी की स्कूटी है। ओके, तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये 1,10,000 की स्कूटी आ रही है, ये 1,10,000 की स्कूटी है। फाइनेंस करेंगे तो 1,30,000 तक पड़ जाती है ये। ठीक है जी, इसकी जो बैटरी है सबसे ज्यादा महंगी बैटरियां ही होती हैं। इनमें सब में GPRS लगा हुआ है हमारे, कोई लड़का वैसे नहीं भागना, और चोरी करने वाले के आगे ताला क्या है ना, तो वो बात अलग है। ठीक है, बाबा इसमें कितनी स्कूटी आपके पास अवेलेबल है जो कैंडिडेट बहुत सारे आ गए? कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास अभी 200 गाड़ियां अवेलेबल है, और जॉब भी मेरे पे 200 लड़कों की जरूरत है। ठीक है जी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी आ सकता है मेरे पास, कोई भी काम कर सकता है। मैं गारंटी जो बोलता हूँ, डेली 700 से लेकर 1,000 रुपये तक रेंट हटा के बात कर रहा हूँ मैं। अगर रेंट लगा के बात करूँगा तो डेली 1,000 रुपये मान लो, तो मैं रेंट वेंट सब काट के आपका जो बचत है, इनकम है जो, वो 700, 800, 900 हज़ार रुपये आपके डेली रहेगा। मतलब 24 से 25 हज़ार महीने की इनकम करते हैं। 25,000 रुपये तो कहीं नहीं गए सर, अभी आपसे मैं बात कराऊंगा एक लड़के का, अभी लड़का आ रहा है, वो डिलीवरी करने गया है, तो जैसे ही आता है मैं आपसे बात कराता हूँ। लड़के से आप खुद पूछना और खुद ही आपको पता भी लगेगा। तो आइए दोस्तों, लड़के से बात करते हैं, जो लड़का जो है कि यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो लाइव बता पाएगा तो समझ में आएगा चीज़। अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो जफर भाई के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक भाई हैं, हाँ जो थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा पीछे करना, तो पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा निकालना हेलमेट निकालना यार। क्या क्या नाम, क्या सर? सुमित कुमार। कहाँ रहने वाले सुमित जी? नोएडा में, यहाँ पे कुलेश्वर में। वैसे रहने वाले कहाँ हैं? मैनपुरी, यूपी। यूपी के रहने, कितनी एज कितनी होगी आपकी? मेरी 23। इनके थ्रू इस कंपनी में कब से आपने ज्वाइन किया? मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है। 1 साल से ज़्यादा हो जी। वैसे क्या करना होता है सर आपको यहाँ पे? यहाँ से क्या कहते हैं, बिग बास्केट या कंपनी है, यहाँ से ऑर्डर उठाना होता है हमें और कस्टमर तक पहुँचाना होता है। कितने किलो रेंज में आप जाते हैं? 5 किलोमीटर के अंदर ही रहता है। जैसा कि जफर भाई ने 5 किलोमीटर बताया और 5 किलोमीटर आप भी बताए जी, जी। वैसे मिनिमम कितने दूर तक होता है वैसे हम बात करें? ज़्यादातर पास जाते हैं, जैसे 3 किलोमीटर के अंदर ही अंदर आते हैं ज़्यादातर, एक आदि कभी कभी दूर का आ जाता है। तो पर डे की आप कितने पैकेट मार लेते हो आप, जैसे बताएं डिलीवर कर लेते हो? 30 या 35 ऑर्डर हो जाते हैं पर डे के। तो उस हिसाब से जो महीने की आपकी अर्निंग आ जाती, कमाई, सैलरी कितनी आ जाती है महीने की? 30 से 35 बनती है महीने पे। 30 से 35 हज़ार महीने की जी। क्या मैं आपके फ़ोन में देख सकता हूँ वो चीज़? जी, 26 ऑर्डर पे 100 रुपये। 26 ऑर्डर करते तो 100 रुपये पर डे का आपको स्कूटी का देना जी। इसको काट के आपका 30 से 35 हज़ार बचते हैं? नहीं, इतना नहीं। कितने बजे? मतलब 30 से नीचे रहता है। 30 से नीचे मतलब इसे काटते हैं? हाँ जी। चलो सही, भाई साहब से बातचीत करें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक हमारे भाई साहब, ये भी हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम, क्या सर आपका? एक मिनट रुकना, आपने क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार है। कहाँ का रहना ललित जी? हाँ, कासन जिला के टोडरपुर गाँव है, करसाने के पास। तो इसमें आपने कब से ज्वाइन किया आपने? अभी 1 महीना नहीं हुआ है मेरे को। 1 महीना पर डे का क्या ऑर्डर मिल जाता है? पर डे को मिल जाता है 30-35 ऑर्डर मिल जाता है। मार लेते हो अभी इतना जो है कि डिलीवर कर लेते? हाँ। तो पर डे का क्या इनकम हो जाता है? पर डे की हम जाता है 1,000-1,200 रुपये। 1,000-1,200 रुपये। स्कूटी का कितना करता है? हाँ, 100 से 150 रुपये। 26 ऑर्डर से कम मारोगे तो 150 कटेंगे, 26 ऑर्डर मार दिए तो 100 रुपये कटेंगे, और 35 रुपये पर ऑर्डर लग जाएगा आपका। अच्छा, अच्छा। चलो ठीक है, भाई से बातचीत करके अच्छा लग रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये स्कूटी कंपनी की ही है? हाँ जी, हाँ, कंपनी स्कूटी वगैरह सारा। हाँ, तो भाई से बातचीत करें बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि जफर भाई ये बताओ, जो आपने 1,000 रुपये स्कूटी का बताया, वो रिफंडेबल होता है? बिल्कुल, हमारे जो ये सिक्योरिटी जो चार्ज लगता है, आपको शो भी कर रहा होगा, जो मैंने चार्ट भेजा तो उसमें भी लिखा हुआ है कि पहले जो आपको सिक्योरिटी देनी है वो देना है सिर्फ 1,000 रुपये। ठीक है, जो हम लोग सिक्योरिटी पूरी एक्चुअल में लेते हैं वो लेते हैं हम लोग 2750 यानी 2800 रुपये टोटल हम लोग लेते हैं, पर जो 1,800 रुपये वो जो बचता है वो हम आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपके 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो हम आपका पैसा, जब आप हमारी गाड़ी लौटा दोगे, उसमें कोई टूट फूट नहीं होगा, तो हम वो पैसा आपके अकाउंट में जब सैलरी के टाइम होता है वो दे देते हैं। मतलब और हाँ, जब जाने वाले रहेंगे, जाने वाले रहोगे आप जब भी, तब हम आपको वो पैसा आपको रिफंड कर देंगे, आपको पैसा दे देंगे। अगर आप 3 महीने से पहले काम छोड़ते हो तो आपको सिक्योरिटी का पैसा 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। भाई साहब, अगर हम वैसे भी कहीं से लेते हैं, कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये रेंट जाते ही? बिल्कुल जाता है, बिल्कुल भी हम रेंट से लेते हैं। मैं बिल्कुल, तो इसीलिए मैं खुद आपसे बता, मैं वही कह रहा हूँ, लड़का तो झूठ नहीं बोला, लड़का भी काम कर रहा है। 100 रुपये पर डे का रेंट लेते हैं लड़कों से। लर्निंग चल जाएगी इसमें? लर्निंग आप लेके आओ, बखूबी चल जाएगी, पर जल्द से जल्द अपनी लाइसेंस मिलाना, क्योंकि आपकी सेफ्टी इसमें रहेगी। एक लर्निंग भी ना है तो कुछ एक्सपेंसेस के लिए? लर्निंग भी ना हो तो आप आओ, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा आपके लिए, क्या लो स्पीड गाड़ी दे दूँ या कुछ भी मैं कर लूँगा, आप कॉन्टेक्ट करना, मैं करवा दूंगा। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट हो या ना हो, बस इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, और लाइसेंस। ठीक है, ये सब लेकर आ जाए। और महीने में जो सैलरी आती है आपकी, वो महीने में 2 बार सैलरी आती है, आप चाहे लड़कों से पूछ सकते हो, यहाँ पे एक बार पूछ लो आप कितने सैलरी आती है। ये तो मतलब 1 महीने के है ना, आप तो काफ़ी टाइम से। अच्छा, 1 महीने में 2 बार सैलरी आती है जी? किस किस तारीख को? जैसे 1 से 15 तारीख की सैलरी, 20 से 22 तारीख तक आ जाती है। ठीक है जी, और उसके बाद 15 से जो 30 की रहती है वो 1 से 7 तक के बीच में 2 बार। हाँ जी, सैलरी को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं।
डायरेक्ट अकाउंट में आ जाती है, कैश मिलती है? अकाउंट में आती है। तो भाई साहब से बातचीत कर बहुत अच्छा लगा, कैंडिडेट से मैंने बात की, अगर आपको भी काम करना है भाई, जॉब करना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है जफर भाई का, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, रखिए अपना ख्याल, नई वीडियो तब तक के लिए।